हेलो एवरीवन, आज हम रॉ को अपनी प्रैक्टिस कॉपी बुक में लिखना शुरू करेंगे। कल हमने रॉ से राजा, रॉ से रस्सी, रॉ से रानी सीखा था, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, रॉ से रथ। राजा जिस सवारी में उठकर आते हैं, घोड़े वाली सवारी को रथ कहते हैं। आप इन रथ को रंग भरिए बिल्कुल इस रथ की तरह, और र को हम लिखना शुरू करेंगे। ये र है, ये ऐसे जय की तरह लिखकर फिर इसको ऐसे लाना है नीचे, फिर ऊपर से स्लिपिंग लाइन। ये पूरा हो गया आपका र। अभ्यास पुस्तिका में, प्रैक्टिस बुक में हम आज र को लिख रहे हैं। बिल्कुल आसान है र लिखना, आप लोग कोशिश कीजिए र को सुंदर तरीके से लिखने की। ये जे की तरह ऐसे, आप लोगों को जे की तरह ऐसे लाना है ऊपर, थोड़ा सा यहाँ से नीचे, फिर ऊपर से स्लिपिंग लाइन डालनी है। ये आपका पूरा हो गया र। देखा, बिल्कुल आसान है, आप लोग भी ऐसे लिखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और र को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ऊपर आज का डेट भी लिखना है, आज का डेट है 15/12/2020। तो चलिए मैं अपनी अभी कॉपी दिखाती हूँ आप लोगों को, कैसे आप लोग अपना कॉपी रेडी करोगे। यहाँ पे भी र को ही लिखेंगे। पहले र से हम राजा का चित्र बनाएंगे, ये यू, फिर यहाँ से ये कान बन गया, यहाँ से ये राजा की बाल, और ये राजा की टोपी, राजा का मुकुट, आप लोग राजा का मुकुट भी बनाइए। ये है राजा, साइड में एक बड़ा सा ऐसे स्मॉल लेटर जय की तरह लाना है, फिर यहां से नीचे ऐसे लाना है। ये हो गया र। फिर नीचे हम र को लिखेंगे, फिर नीचे डॉट्स डाल के सीधी लाइन में र को लिखकर अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलिए आप लोग अपना कॉपी भी निकालिए और र को लिखकर पूरा कीजिए। चलिए, मैंने तो फटाफट लिख दिया, आप लोग भी फटाफट लिखकर कंप्लीट कीजिए। र से राजा।